आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव दोलारी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 15 किलोमीटर तो ब्लॉक से 4 किलोमीटर है। 5000 वोट और 15000 जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती राकेश देवी ने संभाल रखी है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर फिर से जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। बताते चले की लगातार लंबे समय से गाँव की जनता इन्हें प्रधान चुनती चली आ रही है। इनके अच्छे कार्यों के कारण नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्षों में इन्होंने कितना विकास कराया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधानपति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के दियोलारी ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, क्योंकि पिछले 35 सालों से लगातार यहाँ पर प्रधान चुनते चले आ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि अब तक विकास की चरम सीमा पर यह गाँव पहुँच चुका है। बाकी की पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे, तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इतने सालों से आप यहाँ प्रधानी कर रहे हैं और अब भी इस पंचवर्षीय के भी 4 वर्ष पूरे लगभग बीत चुके हैं, अब तक क्या क्या विकास कार्य अपने गाँव में आपने करवाए हैं? एक तो गाँव में सीसी टाइल्स लगवाई है, सीसी रोड करवाए हैं, खड़ंजे करवाए हैं और पूरी ग्राम पंचायत में नालियाँ बनवा दी हैं, जिससे पानी की व्यवस्था ठीक है। स्कूलों में हमने बाउंड्री वॉल करवा दिए हैं और कई सारे स्कूल बनवा दिए हैं गांव में, और 2 महीने भी हमारे हाँ उसमें फर्श प्लास्टर सारा काम हम कराते हैं और लाइटें भी लगवा दी हैं गांव में, सोलर लाइट्स हाँ लगी हुई हैं, ये भी लगा दिए हैं। यही है, कूड़ेदान वगैरह हाँ वो भी है, वो भी लगवा दिए। जैसे हमारी केंद्र सरकार जो है इतनी योजनाएं गरीबों के लिए इस समय लागू हो रखी हैं, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, सभी लोगों को मिल रहा है, पेंशन वगैरह सबको मिल, पेंशन सब लोगों को मैं करवा दी सब लोग, विधवा पेंशन और ये आपका ओल्ड सब कुछ सब कुछ करवा। 100 नंबर 100 नंबर की सुविधा तो यहाँ समय पर मुहैया हो जाती है, उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, यहाँ सब कुछ। प्रधानी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक कहीं ना कहीं राजनीतिक पद पर भी जुड़े हुए हैं, अपने स्तर पर क्या योगदान समाज सेवा में आपका रहा है? नहीं, मैं पंचायत लेवल से ऊपर नहीं जुड़ा हूँ कहीं। पंचायत लेवल से ऊपर नहीं, पंचायत लेवल मतलब आपने अपने प्रधान कार्यकाल में अपने स्तर प्रधान पद के हैसियत से आपने पूरा यहाँ विकास किया। अब अपने गाँव को और प्रमुख और विकसित करने के लिए, क्या सुंदर बनाने के लिए क्या प्रमुख आपकी जो है मांगे सरकार से रहेंगी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही मांगे हैं कि और जो जो जिस पोजिशन गांव है इससे और अच्छा हो जाए। हाँ, सीसी रोड जी, जैसे साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई हम जो है अपने पास ही, एक हमारा वो है सफाई कर्मी भी है जी, और उसके पास हम अपना नगद जेब से भी करवा देते हैं जी साफ सफाई गाँव में। पानी की व्यवस्था यहाँ पर ठीक है, शुद्ध पानी? हाँ, पानी यहाँ हमारे यहाँ टंकी लगी हुई है। आप घर, पंचायत भवन ये है बने हुए? पंचायत घर अब बनना है, उसका पैसा आया है, बनेगा जी। बारात घर? और बारात घर तो नहीं है गांव में, शमशान घाट भी लाया हूँ मैं, शमशान घाट भी तैयार हो रहा है जी। तो अब यहाँ पर जो है कोई ऐसी समस्या आपकी ग्राम पंचायत में नजर आती है जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार खास तौर से गाँव में ध्यान दे? अस्पताल भी बना हुआ है, स्कूल भी है जी, और कोई विशेष ऐसा काम नहीं है जो बचा है जी। काफी जनता जो है इस समय मतलब संपूर्ण तरह से संतुष्ट है जी, सभी परेशानियों से जी। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है। काफी विकास इनके द्वारा इस गांव में यहाँ कराया जा चुका है, जैसे कि सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, शौचालय से भी गाँव पूरी तरह से ODF हो चुका है, स्कूलों में भी कायाकल्प के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण यहाँ करवाया गया है, काफी विकास इस गांव में हो चुका है। यदि समस्याओं की तरफ नजर करें तो कोई ऐसी खास समस्या यहां नजर नहीं आई, केवल एक बारात घर जो यहां पर बना हुआ नहीं है। चाहते हैं कि यहां पर बारात घर का निर्माण हो जाए, बाकी शमशान घाट और पंचायत भवन का निर्माण यहां पर जो है निर्माण कार्य शुरुआती दौर पर है, चालू है। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन, टुडे 24 से। जी सर, क्या नाम आपका? राजेश कुमार। किस पद पर आप कार्यरत हैं? जी ये बताइए, यहाँ पे ग्राम प्रधान द्वारा या विद्यालय में क्या क्या विकास कराया गया? प्रधान जी द्वारा हमारे यहाँ टॉयलेट के द्वारा कराए गए, टॉयलेट बनाए गए और यहाँ पर खरंजा करवाया, वहाँ से मेन रोड और प्लस्टर, यहाँ पर आने जाने परेशानी पड़ती थी और हमारे यहाँ पर जो थोड़ा सा आप देख रहे हैं ये भी इन्होंने कराया, और प्रधान जी का सहयोग अच्छा रहता है
और अभी जो कार्यकर्ता के अंतर्गत काम हो रहे हैं उसके लिए मैंने प्रधान जी को बुलाया, तो कई स्कूल हमारे देश में ग्राम पंचायत में, तो उनके लिए भी उन्होंने प्रधान जी ने कहा था उधर के काम कराने के बाद हम आपके यहाँ पे सबमर्सिबल कराएंगे और टॉयलेट हैंड वॉश मल्टीपल हैंड वॉशिंग भी कराना है। पूरा सहयोग मिलता है ग्राम प्रधान जी का? हाँ, प्रधान जी जब जब हम जाते हैं सहयोग के लिए तत्पर है। ठीक।